दोस्तों, अंडा ठंडों का एक ऐसा फेमस और हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसे हर किसी को करना पसंद होता है। फिर चाहे आप उसे ऑमलेट की तरह पकाकर खाओ या फिर बॉयल करके, लेकिन खाना मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप भी इस डिस्कशन में जरूर इन्वॉल्व हुए होंगे कि आखिरकार अंडा वेज है या फिर नॉन वेज, क्योंकि कुछ लोग इसे वेज मानते हैं और कुछ लोग नॉन वेज। बट अगर आप भी ऐसी किसी कंफ्यूजन में आज तक थे, तो आइए अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे अंडे से जुड़े हर डिटेल के बारे में, और शायद हो सकता है कि इसके बाद आपको आपके सवाल के जवाब मिल जाए। पहले मुर्गी आई या फिर अंडा, ऐसा सवाल अक्सर ही उठता रहता है, जिस पर हमारे साइंटिस्ट लोगों ने काफी टाइम तक रिसर्च की और तब जाकर ये बात सामने आई कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि मुर्गी से बनने वाला अंडा जिसके टॉप लेयर में एक ओवोक्लैडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके एब्सेंस में अंडे के ऊपर का कवर नहीं बन पाता है, और ये प्रोटीन मुर्गी के गर्भाशय में ही बनता है। इसीलिए सालों पुराने इस सवाल का फाइनली अब हल मिल गया है कि पहले मुर्गी आई है, और इसे प्रूफ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के डॉक्टर कोलिन फ्रीमैन ने। लेकिन एक सवाल अभी भी वैसा ही है कि आखिर इसे मांसाहारी की लिस्ट में रखा जाए या फिर शाकाहारी की लिस्ट में। तो बहुत लोग इसे मांसाहारी मानते हैं और इसके पीछे ये लॉजिक देते हैं कि ये जानवर के पेट से निकला है। लेकिन ऐसी ही बात है तो फिर हम दूध को भला शाकाहारी कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो किसी जानवर के पेट से ही आता है। और इसी बारे में अगर हमारे साइंटिस्ट की बात माने तो वो अंडे को शाकाहारी मानते हैं, क्योंकि अंडे के तीनों लेयर, एक तो उसका छिलका, दूसरा इसका व्हाइट लेयर पार्ट, और सबसे लास्ट में इसका इनर पार्ट आता है जो येलो कलर का होता है, जो फैट और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होता है। वहीं इसके व्हाइट पार्ट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन भरा होता है, और इसमें जीव का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं होता है, तो आप इसे वेज में गिन सकते हैं। हालांकि मुर्गी नॉर्मली अंडे तभी देती है जब वो किसी मुर्गे के संपर्क में आती है, लेकिन जो अंडे मुर्गी फार्म से लिए जाते हैं उनका बनने का प्रोसेस अलग होता है, यानी वो मुर्गी और मुर्गे के मिलने से नहीं बनते। इसलिए इन अंडों को आप पूरी तरह से शाकाहारी गिन सकते हैं। ये अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। इन्हें मुर्गी फार्म की मुर्गियां 6 मंथ की होने के बाद हर महीने देती हैं, और इन अंडों के बारे में हमारे साइंटिस्ट ये दावा करते हैं कि इनमें से कभी भी चूजे नहीं निकल सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अंडे को शाकाहारी मानते हैं और इसे अपने रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं। अब ये तो बात हो गई अनफर्टिलाइज्ड एग की, जो पूरी तरह से शाकाहारी लिस्ट में आते हैं। लेकिन अब उन एग्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं जो मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में आने से बनते हैं। जी हाँ, इन अंडों को ज्यादातर नई मुर्गियों के विकास के लिए पोल्ट्री फार्म वाले रखते हैं, जिन्हें अगर मार्केट में बेच दिया जाए तो ये मांसाहारी बनते हैं, और इन अंडों से बनने वाली मुर्गियां भी अनफर्टिलाइज्ड एग देती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी फीडिंग करवाई जाती है कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग दें। तो शाकाहारी और मांसाहारी अंडों का डिफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठता है कि अगर अंडे के अंदर बच्चे रहते हैं तो आखिर वो सांस कैसे लेते हैं। जैसे अगर आप एक फर्टिलाइज्ड एग को देख लें और इसे माइक्रोस्कोप से देखें, तो आपको इन एग्स में काफी छोटे 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 छेद दिखते हैं, जो हमारी स्किन पर दिखने वाले हेयर से भी ज्यादा पतले होते हैं, यानी छेद होते हैं, लेकिन ये हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और ऐसा सिर्फ मुर्गी के अंडे में नहीं होता है, बल्कि कोई भी जानवर जब अंडे देता है तो उस अंडे पर ऐसे ही छोटे 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 होल्स बने होते हैं, जिसकी मदद से बाहर की फ्रेश एयर अंदर जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। नेचर है दोस्तों, नेचर ने बहुत सोच समझ कर सब कुछ बनाया, जिस वजह से अंदर का जीव जिंदा रहता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन से अंडे अच्छे होते हैं और कौन से अंडे नहीं। तो इसके लिए आप किसी भी बड़े बर्तन में पानी भरकर अंडे को उसमें डाल दीजिए। अगर अंडा नीचे बर्तन के बेस में बैठ जाता है तो ये अंडा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये अंडा ऊपर की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अंडा खराब है। तो उम्मीद है कि आपको अंडे के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मौसम भी ठंडियों का है तो अंडे खाने तो बनते हैं भाई। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।